कल्कि अवतार असलियत में हम सभी के साथ इस दुनिया में प्रकट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये बात हम अपने मन से नहीं कह रहे, बल्कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर एक ऐसा अनोखा संकेत बताया हुआ था। और जब वो घटना हम सभी के सामने घटी तो हम लोग तो भयभीत हो गए, परंतु आश्चर्यचकित भी हो गए, क्योंकि उस खबर को सिर्फ आम मीडिया नहीं बल्कि पूरे मेनस्ट्रीम मीडिया ने बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताया था। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं नोएडा में गिराए गए ट्विन टावर के बारे में। क्यों, चौंक गए ना? वही ट्विन टावर जिसकी चर्चा खूब मीडिया में चली, बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल ने कई दिन तक उस खबर को पूरी तरह से कवर करा। वही ट्विन टावर जिसको भ्रष्टाचार की निशानी बताकर निस्तनाभूत कर दिया गया, वही ट्विन टावर जिसकी धूड़ के आंचल में पूरा नोएडा शहर गिर गया। लेकिन आखिर उस ट्विन टावर का कल्कि अवतार के प्रकट होने के साथ क्या रिश्ता है? इस वीडियो के अंदर विद प्रूफ यानी कि सबूत के साथ पूरी बात आपके सामने रखेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से समझ पाए। सो हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है खुशदीप और आप देख रहे हैं KS फैक्ट यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कल्कि अवतार, जिन्हें विष्णु जी का दसवां अवतार व कलयुग का अंतिम अवतार कहा जाता है, उनको लेकर एक मान्यता प्रसिद्ध है। मान्यता दरअसल यह है कि कलयुग के अंत के अंदर जब पाप अपनी प्रचंड सीमा से पार चला जाएगा, तब पूरी बुराई का विनाश करने ईश्वरीय शक्ति स्वयं इस पृथ्वी पर प्रकट होंगी, और कल्कि अवतार का नाम उन्हें कई धार्मिक ग्रंथों के अंदर दिया गया। हालांकि अलग अलग धार्मिक ग्रंथ के अंदर उन्हें अलग अलग नाम से पुकारा गया। मुस्लिम धर्म की बात करें तो मेहंदी शब्द का वर्णन मिलता है, सिख धर्म की बात करें तो नह कलंक अवतार का वर्णन मिलता है, हिंदू धर्म की बात करें तो कल्कि अवतार का वर्णन मिलता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल रह जाता था कि ये कल्कि अवतार आखिर प्रकट कब होंगे। तो इसको लेकर पहले तीन भविष्यवाणियों की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता की, दूसरी बात करेंगे भविष्यमलिका की, तीसरी बात करेंगे हिन्नास्त्र दमस की। और इन तीनों की भविष्यवाणियों के माध्यम से हम बताएंगे कि किस प्रकार से नोएडा के ट्विन टावर के साथ डायरेक्ट रिश्ता जुड़ा हुआ है कल्कि अवतार का। दरअसल सबसे पहले बात करें नास्त्रदमस की, तो नास्त्रदमस ने अपनी जो भविष्यवाणी वाली जो उनकी पुस्तक है, उस पुस्तक के पेज संख्या 13 के भाग नंबर 2 के छठी लाइन के अंदर अपने दोहे के अंदर इस बात को लिखा था कि भारत, उन्होंने भारत शब्द की जगह एक सूचकांक शब्द का प्रयोग करते हुए कहा था कि तीनों तरफ से सागर से गिरे हुए एक देश के अंदर, जिसके नाम से एक सागर होगा, उस देश के अंदर एक बड़े हब के अंदर यानी कि एक बड़े शहर के अंदर गगनचुंबी चीज़ों को गिराने के बाद जब दूर से आसमान भर जाएगा, तब कलयुग अंत की ओर एक और कदम बढ़ जाएगा। यह बात उन्होंने शायराना अंदाज में अपनी भविष्यवाणी के अंदर लिखी थी, जो हमने स्पष्ट शब्दों के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। चलिए इसको डिस्क्लोज भी बाद में करेंगे। अब बढ़ते हैं भविष्यमलिका के अंदर। संत अच्युतानंद दास जी को तो आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने भविष्यमलिका का निर्माण करा। उन्होंने अपनी भविष्यमलिका की एक किताब के अंदर इस प्रकार से एक भविष्यवाणी लिखी थी कि कलयुग के अंत के अंदर भ्रष्टाचार, बुराई, पाप, जुल्म इस प्रकार बढ़ता चला जाएगा, वह हर चीज जब आपको पाप से संगीन होती नजर आएगी, उसी समय बीच बीच में अच्छाई की लोर नजर आएगी, वे उसका एक संकेत मिलेगा जब एक गगनचुंबी चीज का निस्तनाभूत होना सामने प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार की बात संकेतात्मक रूप में भविष्यमलिका के अंदर दर्ज थी, और इसको कोई समझ भी नहीं पा रहा था, क्योंकि भविष्यमलिका कोई एक किताब नहीं बल्कि 550 से भी ज़्यादा पुस्तकों का एक संग्रह है, और उनके अंदर जो भाषा है वो उड़िया भाषा का प्रयोग किया गया है। वे जो श्लोक हैं वो बहुत ही संकेतात्मक रूप से लिखे गए हैं, जिसे सामान्य इंसानी बुद्धि से समझना शायद मुश्किल हो जाए, परंतु जब आप उसे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते हैं बाकी भविष्यवाणियों के साथ, तो रास्ता एकदम साफ दिखाई देने लगता है। चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी भविष्यवाणी वाली पुस्तक यानी कि श्रीमद्भागवत गीता। श्रीमद्भागवत गीता जिसका पाठ अपने कहें, जिसका उच्चारण श्री कृष्ण जी ने महाभारत की रणभूमि के अंदर अर्जुन के समक्ष पेश करा था समय को रोक कर, उनके बारे में आपको बताएं कि उसी के अंदर श्री कृष्ण जी ने ये बोला था कि जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब धर्म की रक्षा के लिए मैं आऊँगा।
और इसके साथ उन्होंने कलयुग के अंत के समय को बताते हुए कलयुग अंत के समय कैसा होगा, कौन कौन सी घटनाएं होगी, इसका भी जिक्र करा था। इसके समय श्री कृष्ण ने यह तो संकेत दे दिया था कि हम आएंगे, यानी कि कल की अवतार आएंगे, यह तो तय हो गया था। और कलयुग अंत कब होगा वो जो समय सीमा उन्होंने बताई थी, वो समय सीमा भी अब लगभग उसी समय के पास में चल रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ट्विन टावर का क्या कनेक्शन भगवत गीता के अंदर मिलता है। चलिए, दरअसल भगवत गीता के अंदर ये चीज लिखी गई थी कि कलयुग के अंत के अंदर बुराई आसमान छूने लगेगी और उसी बुराई के बादलों के अंदर जब आसमान छूती बुराई को निस्तरणाभूत किया जाएगा, अच्छाई की किरण बुराई के घर से दिखने लगेगी और बुराई का बवंडर चारों तरफ उठने लगेगा, तब समझ लेना कि कलयुग का अंत एक कदम और नजदीक आ गया। दरअसल भविष्यमलिका, भगवत गीता, नास्त्रदामस की भविष्यवाणी, इन तीनों के अंदर इस बात को बहुत ही संकेतात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया, एक श्लोक के रूप में, कविता के रूप में, एक दोहे के रूप में रखा गया है, जिसको सामान्य भाषा में समझना शायद कठिन हो जाए। इसलिए हो सकता है कि हर एक व्यक्ति उन श्लोक का अलग अलग मतलब निकाल दे, लेकिन अगर आपने उन्हें भविष्यवाणियों के साथ जोड़कर देखें, आज की घटनाओं के साथ जोड़कर देखें, और सबसे इम्पोर्टेंट जो समय सीमा बताई गई थी कलयुग के अंदर ईश्वरीय अवतार के प्रकट होने की, उस समय सीमा को ध्यान में रख कर देखें तो कोई शंका की बात ही नहीं रहती, क्योंकि कल की अवतार के साथ ट्विन टावर का जो रिश्ता था, ट्विन टावर एक गगनचुंबी इमारत जिसको लेकर ये खबरें आती हैं कि वो भ्रष्टाचार की निशानी थी, किस प्रकार से भ्रष्टाचार करके उस इमारत को खड़ा कर दिया गया, लेकिन बाद में उस इमारत को निस्तरणीभूत करा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, यानी कि भ्रष्टाचार पैसे के आगे न्याय कहीं ना कहीं तो स्टैंड कर रहा था, और उसके जो गुबार उड़ा, उसका जो धुआं, उसका जो मिट्टी था, उसके जो पोल्यूशन हुआ, उससे पूरे नोएडा में दिक्कतें का सामना करना पड़ा था। यानी कि जो बात नास्त्रदमस ने कही थी कि बुराई का जो पहाड़ होगा, गगनचुंबी बुराई होगी, उसको निस्तरणाभूत करके उस बुराई के जब परखच्चे आपको आसमान में दिखेंगे, तब समझ लेना कि ईश्वरीय अवतार एक कदम और नजदीक आ चुके हैं। और आपको एक और हैरानी वाली बात बताएं, भारत के एक पर्टिकुलर राज्य से भी कल के अवतार का बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्शन है, वह उससे जो संकेत मिल रहे हैं ना, वो तो वाकई में खौफनाक है। वो राज्य कौन सा है, उससे क्या खौफनाक संकेत मिले, ये आपको अगली वीडियो के अंदर बताएंगे। वो अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप लोग गैस भी कर सकते हैं कि वो राज्य कौन सा होने वाला है, क्योंकि शायद आप लोगों ने इमेजिन भी ना करो, और उस राज्य की कंडीशन शायद आने वाले समय में ग्रह युद्ध जैसी स्थिति वहां पर बन सकती है, क्योंकि ऐसी हमारी भविष्यवाणियों के अंदर लिखा था और वही कुछ वहां पर होना शुरू हो चुका है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।